हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शानदार वीडियो के साथ में स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन बात करेंगे बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2024 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये है ना, इसकी डेट रीओपन हुई है वापस, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 25 जुलाई को, लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन इसके पहले फॉर्म फिलअप करवा लिए गए थे, लेकिन इसकी डेट और एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में अपन क्या डिस्कस करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास में, और उसके साथ में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जेएनएम वालों के पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और आपकी हाइट जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट 160+ होनी चाहिए, 160+ होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स की 150+ में होनी चाहिए, और इसकी चेस्ट सर्कमफेरेंस अपन बोल सकते हैं 75+ में होनी चाहिए मेल्स की, और इसकी लास्ट डेट 25 जुलाई अभी मैंने आपको बता दिया है। अभी फॉर्म चल रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, पैरामेडिकल स्टाफ्स की है। तो चलते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले ही खोल रखी है, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांगे गए हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देखते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नीचे अपन स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखते हैं, थोड़ा अपन इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो, करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स, तो ग्रुप बी एंड सी के लिए मांगे गए हैं कंबाइंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। पहले अपन देखते हैं डिटेल्स के बारे में, व्यू डिटेल्स, इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कितनी है, 25 जुलाई 2024। तो अपन व्यू डिटेल्स के बारे में देखते हैं, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको अपन डाउनलोड करके देखते हैं, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको अप्लाई करने के लिए आपको बता दूंगा कैसे क्या करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और ये कहाँ, और हाँ, जब भी आप इसकी बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो, तो आपको अपने मोबाइल को पास में रखना है, जो नंबर दे रखे हैं उसको पास में रखना है, क्योंकि हर बार आप उसको ओपन करोगे तो ओटीपी आपसे मांगी जाएगी। अपना डाउनलोड हो चुका है, जो अपन इसको देखते हैं, ग्रुप बी एंड सी कंबाइंड पोस्ट हैं पैरामेडिकल स्टाफ्स की। ये देखो, ग्रुप बी पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट एसआई स्टाफ नर्स की, एसआई जो थानेदार होता है ना, उसके स्टार्स होते हैं ना, कंधे पे स्टार होते हैं, उनकी पोस्ट रखी गई है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें भी आपको दे रखी है एसआई स्टाफ नर्स की वैकेंसी दे रखी है, यूआर की इसमें 4 पोस्ट रखी गई है जो अनरिजर्व्ड होगी, जिनके पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो अनरिजर्व्ड में माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, ओबीसी की है 4 पोस्ट, और एससी की है 2, और एसटी की है 1, टोटल आपके पास में 40 पोस्ट है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, एसआई स्टाफ नर्स की बहुत ही अच्छी पोस्ट है। रिमार्क्स इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन है, इनको 10% रिमार्क्स दिया गया, 10% की इसको छूट दी गई है। इसका पे लेवल होगा 6 पे लेवल के अकॉर्डिंग दे जाएगा आपका, 35,400 से 1,12,400 तक आपकी सैलरी होगी। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए अपन ने बात कर ली है, ऐसा स्टाफ नर्स की है, यूआर की 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, और ओबीसी की है 4, और एससी की है 2, और एसटी की है 1, और टोटल 4 पोस्ट हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, पहले इसके फॉर्म सबमिशन हो चुके थे, अब वापस स्टार्ट हो रहे हैं, रीओपनिंग हुई है, और लास्ट डेट रखी गई है 25 जुलाई। तो इसको आप आराम से कर सकते हो, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके डायरेक्ट ओपन हो जाओगी ऑफिशियल वेबसाइट में, या फिर आप गूगल टैब पे सर्च करना बीएसएफ रिक्रूटमेंट, तो ऑफिशियल वेबसाइट की ओपन हो जाएगी। तो आपको ग्रुप बी पैरामेडिकल स्टाफ पे अप्लाई करना है। अब देखते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ग्रुप सी में रखी गई है लैब टेक्नीशियन की, एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की रखी गई है, टोटल वैकेंसी रहेगी इसकी 85, 38 रहेगी
लैब टेक्नीशियन की और 47 रहेगी इसकी एएसआई की, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं अपन इसको, असिस्टेंट स्टाफ, असिस्टेंट एसआई स्टाफ नर्स को बोलते हैं, स्टाफ नर्स एसआई में इसको पोस्ट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको, और एएसआई को होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में है इसको, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इसका लेवल होगा 5 लेवल के अकॉर्डिंग पे लेवल होगा, 29,200 से 92,300 तक इसकी सैलरी रखी गई है। इसमें लैब टेक्नीशियन की व्यूअर की पोस्ट है 12, ईडब्ल्यूएस की 4 और ओबीसी की है 12, एससी की है 6, एसटी की है 4, टोटल है 38 पोस्ट, और एएसआई की है इसमें 19 और ईडब्ल्यूएस की होगी 5 पोस्ट और ओबीसी की है 12 पोस्ट और एससी की है 7, एसटी की है 4 और टोटल इसकी 47। इसमें भी 10% एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन दे रखा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी रिक्रूट RECTT.BSF.GOV.IN पे जाके इसको आप विजिट कर सकते हो। और ऐसा स्टाफ नर्स की आप देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसा स्टाफ नर्स की 10+2 होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग साइंस में होना चाहिए, और डिजायरेबल अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप उसमें लगवा सकते हो। एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 डिप्लोमा होने चाहिए और बीएससी नर्सिंग, और जो डिप्लोमा कर रखी है और उसके पास में जो बीएससी या बोल सकते हैं लैब टेक्नीशियन में उनका पास में जो डिप्लोमा होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, और एएसआई की होगी 10+2 जिनके पास में डिग्री है वो लगा सकते हैं और डिप्लोमा है वो लगा सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, अगर आपके पास में है तो आप लगा सकते हो। एज लिमिट रखी है ऐसा स्टाफ नर्स की 21 से 30 ईयर, ठीक है ये भी, और एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है इसमें मैं भी बताऊंगा। लैब टेक्नीशियन की 18 से 25 ईयर और एएसआई की है 20 से 27 ईयर। अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन के अनुसार 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देता है शेड्यूल का, मतलब एससी के लिए और एसटी के लिए 5 ईयर का, अदर बैकवर्ड क्लासेज 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को यूआर के लिए 3 ईयर्स, ओबीसी के लिए 6 ईयर्स और एसटी एससी के लिए 8 ईयर्स जो एक्स सर्विसमैन है, और अदर बैकवर्ड क्लासेज मतलब ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया उनके लिए और जनरल हो गया 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है, और जनरल के लिए शायद नहीं रखा गया है इसमें। जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं मान सकते हो ओबीसी बोल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस बोल सकते हैं, उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। और आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेल के लिए मैंने कहा ना 160+ है तो 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर मैंने पहले ही बता दिया, चेस्ट सर्कमफेरेंस होना चाहिए मेल के लिए 76 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेड, और 81 होनी चाहिए, एक्सपेंडेड मतलब बिना फुली हुई रहनी चाहिए 76 और फुली हुई रहनी चाहिए 81 सेंटीमीटर मेल्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है आइज के लिए तो सभी ठीक ही होंगे। ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होगा, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, सिलेबस ऑफ द एसआई स्टाफ नर्स के लिए 25 जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स आएंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 25 मार्क्स उनके भी आएंगे, और प्रोफेशनल जो आपके नर्सिंग में कर रखी हैं 50 उसके आएंगे, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। और एएसआई का होगा 25 मार्क्स जनरल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स के होंगे, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 25 मार्क्स, और अगर जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई थर्ड पार्ट में, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग जो हिस्टोपैथोलॉजी के हैं, लेबोरेटरी है, और फिजियो सेरोलॉजी एंड वायरोलॉजी में
उन जो लैब टेक्नीशियन में अपने कोर्स में दे रखा है उसका प्रोफेशनल कोर्स में जो है उनके 50 मार्क्स आएंगे। जैसे ही ये ASI का होगा जे वही है जनरल नॉलेज ह्यूमन एनाटॉमी के 25, और जो उनका प्रोफेशनल कोर्स है 50 नंबर उसके टोटल 100 मार्क्स का होगा। और जनरल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन होगी रिटन टेस्ट के लिए 45% होनी चाहिए जनरल की। EWS OBC उनको क्वालिफाई कर लिया जाएगा, और STSC के लिए 40% मांगे गए हैं। और सेकेंड फेज़ होगी आपकी रनिंग की प्रोसेस होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। सेकेंड फेज़ में अब एग्जामिनेशन होने के बाद में सेकेंड फेज़ होगी आपकी रनिंग। तो रनिंग देखते हैं कैसे क्या होगी। आपको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स में रन करना होगा। 7 मिनट्स में कितना, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स के अंदर इसको रन करना होगा। 800 मीटर 5 मिनट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर 5 मिनट में रन करना होगा। और लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 11 फीट और फीमेल्स के लिए 8 फीट का रखा गया है। और हाई जंप होगा 3.5 फीट हाई जंप मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 2.5 फीट है। उसके बाद में आपका रनिंग कंप्लीट होने के बाद, फिजिकल स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और फाइनल मेरिट आपकी ली जाएगी। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपकी फॉर्म फीस ₹200 ली जाएगी, और जो जो ग्रुप सी है उसके लिए 100 पोस्ट रखी गई है, और 47 आपका ट्रांजैक्शन फीस कट सकता है यह दे रखा है। तो इसमें आपको पे करना होगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, या कि कॉमन सर्विस है आपके पास उससे आप कर सकते हो। ये देख सकते हो रिक्रूटमेंट सेंटर्स कहाँ होगा, श्रीनगर जम्मू में है, जालंधर है, गांधीनगर है, जोधपुर है, कोलकाता है, और सिलचार है, सियालनिंग है, और इंदौर भी रखा गया, अपना दिल्ली भी रखा गया, बेंगलोर भी रखा गया है, टनकपुर गालोपुर भी रखा गया है, अगरतला त्रिपुरा भी रखा गया है, शिलांग भी रखा गया है।